टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ, और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस सही है ना, इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलता है अगली वीडियो में। इस दुनिया में कई लोग सिर्फ अपने शौक की वजह से क्रेजीपन की सारी हदें पार कर देते हैं। अब उन लोगों में एक और नाम शुमार हो गया है, और वो नाम है एक मैक्सिकन रैपर डैन सुर का। अब क्या क्रेजी किया है इस रैपर ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस रैपर ने अपने सिर के सारे नेचुरल बालों को हटवा दिया है और उसकी जगह पे अपनी खोपड़ी में सोने की चैनों को इम्प्लांट करवा लिया है। ओह माय गॉड। गाइस इस रैपर का कहना है कि वो कुछ क्रेजी और यूनिक करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। उनका ये भी क्लेम है कि पूरी दुनिया में वो पहले ऐसे रैपर हैं जिन्होंने ऐसा करवाया है। गाइस इनके क्रेजीपन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलते अगली वीडियो में। ब्राजील में एक बार एक जगह खूब बारिश हो रही थी, तो वहां पर एक स्ट्रीट डॉग एक हुंडई शोरूम के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शोरूम के मैनेजर ने उस डॉग को देखा, उसे कुछ खाने को दिया। धीरे धीरे वो डॉग डेली आने लगा और डेली वो मैनेजर उसे कुछ खाने को देता। इस तरह से डॉग और मैनेजर में एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। जल्दी शोरूम के एम्प्लॉइज भी उस डॉग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे, और इस तरह से शोरूम ने बकायदा उस डॉग को ऑफिशियली गोद ले लिया, और फिर बाद में उस डॉग को शोरूम में सेल्समैन बना दिया, और तो और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया। और अब वो हर नए कस्टमर को वेलकम करता है और एक सेल्समैन की तरह वहां पर काम करता है। आगे चलकर इसी डॉग को सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। गाइस इस डॉग का नाम है टक्सन प्राइम, जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और उस पे 1,74,000 फॉलोवर्स हैं। गाइस आपको टक्सन प्राइम की ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलते अगली वीडियो में। IPL के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाइस क्या आपको पता है कि सन 2012 तक IPL में मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड चलता था, लेकिन 2013 में इसकी जगह पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रेटिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया। इस सिस्टम के हिसाब से अगर कोई चौका मारता तो उसे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते, अगर कोई छक्का मारता या फिर विकेट लेता तो उसे 3.5 पॉइंट्स दिए जाते, डॉट बॉल पे 1 पॉइंट और उसके अलावा कैच और स्टंपिंग पे 2.5 पॉइंट्स दिए जाते। और इस हिसाब से 2013 के बाद से लेके अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर ने IPL में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है, और वो है विराट कोहली, जिन्होंने सन 2016 में 973 रन बनाए थे IPL के उस पूरे सीजन में और टोटल 356.5 पॉइंट्स हासिल किए थे, और उन्हें इसी वजह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया था। गाइस आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां एक और बराक ओबामा ने अपने पॉलिटिकल करियर से 55 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था, वहीं ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल करियर 70 की उम्र में आकर शुरू किया था। जहां एक और वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, वहीं कोलोनल सैंडर्स ने 65 की उम्र में आकर अपना बिजनेस शुरू किया था। जहां एक और स्टीव जॉब्स ने अपने पहले ही वेंचर या प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी, वहीं जेफ बेजोस ने अमेजॉन से पहले बहुत बार फेलियर का सामना किया था। मतलब यह है कि आपका भी समय आने वाला है, जरा धीरे रख के इंतजार करिए। यहां पर कोई आगे या पीछे नहीं है, हर कोई अपनी ही रेस में दौड़ रहा है, तो रिलैक्स रहिए और अपने समय का इंतजार करिए। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मजाक भी मत उड़ाइए। गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, मिलता है अगली वीडियो में।